1942 में पोलिश आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने एक ईरानी लड़के से एक बियर कप को खरीदा। सिपाहियों ने इस बियर कप को वोटेक का नाम दिया। सिपाही वोटेक को दूध, वोटेक का बोतल, फल और शहद खिलाते थे और इसे अपने बच्चों की तरह पालते थे। वोटेक को सिगरेट पीने का बहुत शौक था और ये सोल्जर्स को सैल्यूट भी कर सकता था। 1943 में पोलैंड की ये आर्मी जंग के लिए इटली जा रही थी। एक जानवर होने की हैसियत से वोटेक को सोल्जर्स के साथ लड़ाई में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। वोटेक को अपने साथ ले जाने के लिए आर्मी ने सरकारी तौर पर इसे फौज में भर्ती किया। जंग के दौरान वोटेक गोला और बारूद से भरे क्रेट्स को उठाकर तोप चलाने वाले सिपाहियों तक पहुंचाता, जिनसे सोल्जर्स को काफी मदद मिलती थी। 1945 की जंग के बाद वोटेक को एडिनबर्ग ज़ू में छोड़ दिया गया।